अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फहद और आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है स्कॉलरशिप्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट इन ब्राज़ील के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो ब्राज़ील में स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो कैसे जो है वो ब्राज़ील में अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें जितने भी मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया वो तमाम गवर्नमेंट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम नॉट रेफरिंग टूवर्ड्स एनी कंसल्टेंट which may play a role for you to get admission in any international university. So मेरा फोकस जितना भी होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कॉलरशिप पे होता है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना फेस करनी पड़े और ना ही मैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू रिकमेंड करता हूँ। मैं जितने भी स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ वो तमाम गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं जो अकॉर्डिंग टू 100% अप्रूव्ड होते हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी ये है स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स के लिए बेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जी। तो हम आपने जो आज की वीडियो है उसमें मैं स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट इन ब्राज़ील में प्रोग्राम फॉर एक्सचेंज स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो ब्राज़ील गवर्नमेंट्स ऑफर करती है उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मूव टू वर्ल्ड वेबसाइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील इन इस्लामाबाद, यानी कि जो एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील इस्लामाबाद में है उसकी वेबसाइट को आपने ओपन करना है और वहाँ से आप देखेंगे कि आप किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन की है, इसमें प्रोग्राम ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये ऑफर है स्कॉलरशिप और ये पाकिस्तानी नेशनल्स जो अप्लाई कर सकते हैं टू हैव देयर कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी स्टडीज इन ब्राज़ील विद ट्यूशन कॉस्ट कवर्ड बाय द ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट। यानी आप अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो वहाँ पर हासिल करेंगे और जिसकी जितनी भी ट्यूशन कॉस्ट होगी वो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ही पे करेगी। तो उसके बाद इसमें आपको फ्री एजुकेशन ऑफर की जा रही है विद इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज अवेलेबल एट मोर देन 60 यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड विद दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में जो ब्राज़ील की तकरीबन 60 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें एफिलेटेड हैं और जो मेन कोर्सेज हैं फॉरनर्स के लिए विच इंक्लूड मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें आप अपने आप को यानी एक्सेल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट प्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं कि कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए एंड ओल्डर देन 18 अंटिल 31 दिसंबर 2017, प्रेफरेबली यंगर देन 23। सो 18 से एज ज़्यादा होनी चाहिए और 23 से यंगर होना चाहिए और उसने अपना सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो यानी 2017 से पहले मुकम्मल किया हो या फिर उसके एंड पे। अब इसमें स्टूडेंट्स मुकम्मल स्टडी एक्सपेंसेस जो उसके स्टडी एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें वो खुद बियर करेगा और जब वो ब्राज़ील में होगा वह सम अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड टू PECG स्टूडेंट्स बट दीज आर नॉट ग्रांटेड। अब इसके अलावा अगर कुछ स्कॉलरशिप्स हैं अगर वो आपको ऑफर होते हैं तो इट्स माइट बी गुड बट दीज ऑल स्कॉलरशिप्स आर नॉट ग्रांटेड। सो ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन स्टूडेंट जो है पाकिस्तान में उनको वापस आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट इन देयर मेन एरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं उनका क्राइटेरिया यही होता है कि आप आफ्टर स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी जब आप एक डेवलप कंट्री या नेशन के साथ एक अच्छा एक्सपोजर ले लेते हैं तो फिर आपको कंट्री में वापस आके सर्व करना पड़ता है। तो ये आप बाउंड होंगे इस चीज़ के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जी? कैंडिडेट शुड रीच द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ and the courses offered to establish two options of preference at the time of application. सो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो खुद रिसर्च पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ करेगा और जो भी कोर्सेज उनके ऑफर्ड किए जाएंगे उसमें वो प्रेफरेंस सेलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर time of application and preferences. So, those who wish to participate in PECG must apply at Brazil Embassy. So, जो students embassy के through apply करना चाहते हैं उनके लिए procedure ये है कि वो embassy के through ही apply करेंगे और जितने भी embassy है वो documentation को check करेगी। Admission dates आपके सामने mention है, इस साल के लिए तो गुजर चुकी हैं लेकिन जो next year आएगा उसमें आप ज़रूर इसमें apply कीजिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन इन ब्राज़ील के मुताबिक आपको सेंड कर दिए जाते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन टेक प्लेस इन ब्राज़ील ब्राज़ीलियन डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो नवंबर में अनाउंस होता है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में minimum age of 18 years and preferably younger than 23. College degree with above 60% marks, the candidate must have at least 60% of above average in English. And ability of covering traveling and living expense during the studies in Brazil. यानी अगर आप ब्राज़ील में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप traveling and living expenses अपने खुद bear करेंगे. Required documents original and copy. एक तो original आपके application form होगा जो embassy sign करेगी, उसके बाद complete academic record होगा, college certificate, birth certificate, declaration of commitment and terms of financial responsibilities. जो कैंडिडेट को अप्रॉक्सीमेटली $400 मंथली जो उनके उसके ब्राज़ील में एक्सपेंसेस होंगे वो उसको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे. और जो कैंडिडेट का स्पॉन्सर पर्सन होगा जो भी उसका स्पॉन्सर पर्सन है वो इस चीज़ को प्रूव करेगा कि उसकी इनकम एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है इस अमाउंट से. फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उसकी अमाउंट जो यानी उसकी जो पे है वो 1 लाख से अबव होने चाहिए, तब ही इसमें आप उसको शो करवा सकते हैं. तो ट्रैवल एक्सपेंसेस आप खुद पे करेंगे. फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो आप डॉक्टर से साइन करवाएंगे. उसके बाद कुछ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स हैं जो आप उनके साथ शेयर करेंगे. इन केस यू नीड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कवर्ड बाय नेक्स्ट अबव सो प्लीज़ ईमेल. आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं cultural.islamabad@itamarty.gov.br और इस वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं फॉर डिटेल रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप. एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लास्ट में लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ से पार्टिसिपेट कर रही हैं, और लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड कि कौन कौन से कोर्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं. तो ये कोर्सेज हैं जी. इसको अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो तभी हमें कुछ आइडिया होगा. ये देखिए अगर मैंने इंग्लिश में इसको ट्रांसफ़र किया है तो इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, विजुअल आर्ट्स, साइंस एंड स्पोर्ट्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, कुछ मेडिकल रिलेटेड हैं, जिमोकॉलोजी है, म्यूज़िक, ऑडियो विजुअल, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी. और ओरिजिनल लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है ये आपके सामने मेंशन है. इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं, फूड इंजीनियरिंग है, और काफ़ी इसमें कोर्सेज हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. तो ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज है जो यहाँ से आप देख सकते हैं. और इसके अलावा ये इनका एक्सचेंज प्रोग्राम है जो आपके लिए अवेलेबल है. लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ वो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान भी उसमें है. और आंसर टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर इनसे कर सकते हैं जो आपको इसमें गाइड करेंगे. आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा. स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन ब्राज़ील विच इंक्लूड डिटेल ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स. Or please don't forget to subscribe my channel for more videos regarding different scholarships. और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें. कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं. इसके अलावा कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं जिस कंट्री के लिए आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.